So this is my first vlog. What's up guys, how are you all? And I am using a Snapchat filter because honestly I'm not feeling so confident as to talk to the camera. You guys know me, I mean jo log meri streams dekhte hai, that I am not very confident in front of the camera. But if I start to feel okay, I'll stop using the filter. I'm using it just because honestly bahut ajeeb lag raha tha without this light. Itna kam hai idhar. See, that's me. Hello. Anyway, I am just shooting, like I'll try to record few things and I hope this vlog actually goes on my YouTube channel because किसी को पता नहीं है but मैंने एक बार पहले भी try किया था to record a vlog. It was in August I think, मेरे पापा का birthday था and we all went out for the whole day, like सुबह से रात तक we were out. This is lunch for the day. मेरे भाई ने बनाया है कड़ी रोटी and छाछ. So let's see. Am I eat now? बाहर क्या ही गाने बज रहे भाई. मम्मी. Okay. भाई लेफ्ट हैंड से कैसे फोन पकड़ते हैं भाई. I don't know why. मेरा लेफ्ट हैंड से वैसे कुछ होता ही नहीं ढंग से. I'm sorry guys for such a noob vlog, but I'm trying my best. अच्छा कैमरा इधर है. भाई साहब. So now I came outside, so सोचा कि थोड़ा बहुत इधर रिकॉर्ड कर लूँ अंदर तो, बिकॉज मम्मा ने फुल गाने वाने चला रखे हैं सफाई करते हुए एंड कॉपी राइट आ जाएगा फिर मेरे को. सो दैट्स व्हाई सोचा इधर आ जाऊँ. धूप आ रही है और इधर देखो झूला है तो हम झूले पे बैठ सकते हैं. सो जिन लोग को समझ नहीं आ रहा है, आई एम एक्चुअली नॉट वेयर आई लिव, आई एम इन माई होम टाउन ऑब्वियसली बिकॉज वी कम हेयर फॉर दिवाली एवरी ईयर. दिस इज़ वेयर आई लिव टिल 2010 में हम लोग ने शिफ्ट किया था जयपुर, वेयर आई लिव नाउ. सो बट दिवाली के लिए हर साल इधर ही आते हैं मी एंड लाइक माई फैमिली बिकॉज दिस इज़ आर एक्चुअल होम नो, लाइक इधर बिजनेस भी है पापा का एंड एवरी थिंग, इसीलिए. और मेरे आंखों में धूप जा रही है भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं व्लॉग कैसे करूं, क्या रिकॉर्ड करूं. व्लॉगिंग इज वियर्ड. कैसे करते हैं सब लोग, कैसे, हाउ डू यू गाइस टॉक टू अ कैमरा. आई मीन स्ट्रीम पे अलग है, स्ट्रीम पे पता है कि एवरीवन इज वॉचिंग यू लाइव, इधर यू आर प्री रिकॉर्डिंग फॉर एवरीवन टू वॉच लेटर. इट्स वियर्ड. एंड सो हम लोग इधर कल आए थे एंड आई वॉज लाइक स्लीपिंग पूरा रास्ते, क्योंकि हम लोग एक्चुअली कल सुबह ही निकलने वाले थे बट एज ऑलवेज बहुत लेट हो गया था तो पूरा दिन हमारा जयपुर में ही निकल गया था. एंड देन इट वॉज इवनिंग और रात को इतना दूर ट्रैवल करना सही नहीं है क्योंकि कार से आते हैं वैसे भी और बहुत दूर है, मतलब इट टेक्स लाइक 6 to 7 hours जयपुर से इधर आने में. सो प्लान चेंज किया, हम लोग निकल गए थे घर से एंड देन वापस आए थोड़ा सा दूर जाके, जयपुर के बाहर नहीं निकले थे, थोड़ा सा दूर जाके हम लोग वापस आ गए थे एंड पापा ने बोला कि सुबह 4 बजे उठ जाना सब और फिर हम निकलेंगे. तो सब सामान हमने गाड़ी में ही छोड़ दिया था, बस घर आके सब सो गए और मैं तो वैलोरेंट खेल रही थी. मैंने सोचा इतने दिन खेलने नहीं मिलेगा, अभी जितनी देर खेलने मिल रहा है खेल लेती हूँ. बट मैं हुई बहुत अनलकी, मेरा इंटरनेट चला गया जैसे ही हम लोग वापस आए, बिकॉज ऐसे कैसे खेलने मिलेगा मुझे. या सो माई लक इज नेवर विद मी, इसलिए मैं नहीं खेल पाई, मेरा इंटरनेट चला गया एंड देन मेरा इंटरनेट पता 4 बजे आया जब हम लोग को एक्चुअल में जाना. तो फिर मैंने एक गेम खेला क्योंकि मैं भी ढीट हूँ, 4 बजे एक गेम खेला, हार गई बट ठीक है, खुश थी कि खेलने मिल गया मेरे को, खेल लिया. उसके बाद बस मैं जब सब लोग उठ गए ना, जब सब लोग सो के उठे कि अब हमें जाना है, मैं तब सोई हूँ. मैंने कहा जब आप लोग निकल रहे हो ना सिर्फ तब मुझे उठा देना, मैं उठ के सीधा चल दूंगी. तो वही मैंने किया, जब सब लोग निकलने के लिए रेडी हो रहे थे मैं तब सो के उठी और गाड़ी में गई मेरा ब्लैंकेट और पिलो लेके, बिकॉज हम लोग 2 कार लेके आए हैं और 1 कार में पीछे सीट खाली थी, कुछ सामान ही रखा था ताकि मैं सो सकूं. मैंने मेरा पिलो लगाया, ब्लैंकेट लिया और सो गई. मैं उठी जब हम लोग यहाँ पहुँच गए, रास्ते में एक बार उठी थी, खाने जा रुके थे वो खा के वापस आके गाड़ी में मैं सो गई और फिर इधर आके आए वो कब, मतलब क्या किया मैंने, सिर्फ सोई हूँ, इतना सोई हूँ. और घर में घुस के भी मैं सो गई, घर में आए सब लोग सफाई करने लग गए थे, सबने पूरा घर धोया और मैं मस्त सो रही हूँ आराम से, मैंने कुछ नहीं किया है कल पूरा दिन, मैं सोई हूँ सिर्फ. और वो रात को मैंने रिग्रेट किया है
रात को मुझे क्योंकि फिर नींद ही नहीं आ रही थी, बट स्टिल आई वॉज एबल टू स्लीप somehow. पता नहीं इतनी नींद कहाँ से आ रही है मेरे को, कहाँ से आ रही है इतनी नींद. लगता है वहाँ जब रहते थे तब तो मैं सोती नहीं थी ना इतना, मैं खेलते रहती थी, तो पूरा वो बराबर कर रही हूँ मैं इधर आके. कुछ ज्यादा ही सो ली हूँ, 14 hours सोई हूँ मैं कल, 14 hours. क्या सीन है? और अभी भी जब से उठी हूँ मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ खुद को मोटिवेट ही कर रही हूँ व्लॉग बनाने. और अभी इधर बैठे बैठे ही मैंने ज्यादा बकवास कर दी है. कैसा व्लॉग है, मैं एक जगह बैठ के बात ही कर रही हूँ. भाई क्या करना होता है, मैं तुम लोग को घर दिखा सकती थी बट अभी अंदर क्या सफाई चल रही है और गाने भी बज रहे हैं. सो आई एम प्लानिंग कि रात को वो होता है ना, आज वैसे भी छोटी दिवाली है, और शाम को क्या वो पूजा के बाद दिया रखते हैं पूरे घर में, तो आई एम प्लानिंग कि तब मैं थोड़ी सी शक्ल भी सुधार लूंगी खुद की, ढंग के कपड़े पहन लूंगी, और उसके बाद आई विल शो यू द हाउस. अभी तो वैसे भी पूरा घर बिखरा ही हुआ है, तो क्या ही दिखाऊंगी तुम लोग को, शाम को ही सही है. और अभी ज्यादा कुछ करने को है भी नहीं, मैं ऐसा व्लॉग करने ही ट्राई कर रही हूँ. भाई इट्स सो वियर्ड ब्रो, आई फील ऑकवर्ड डूइंग दिस. मैं तो भाई को बुलाती हूँ, उसके सामने थोड़ा मैं नॉर्मल फील कर पाऊंगी, बट वो काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली एक्सेप्ट मी एज ऑलवेज. मुझे कोई कुछ बोलता भी नहीं बिकॉज मैं घर में सबसे छोटी हूँ. फायदे. आई थिंक मैंने बहुत मेरी बकवास रिकॉर्ड कर ली है, अब शाम को ही रिकॉर्ड करने का फायदा है जब कुछ एक्चुअल में होगा, बिकॉज मैं व्लॉग में यही सब करती रही तो बहुत बोरिंग होने वाला है. एंड आई डोंट वॉन्ट कि किसी को व्लॉग पसंद आए, बिकॉज आई एम ट्राइंग सो हार्ड कैमरा के सामने नॉर्मल रहने, क्योंकि मुझे बिल्कुल बहुत वियर्ड लग रहा है. फेमस कर दूं बर्तन धोने वाला भैया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या रिकॉर्ड करूं. शाम को जाएंगे ना जब दिया करेंगे, ये सोचा मैंने. गाने बज रहे इधर, पापा से हेलो. भाई कैमरा में देख के ये हो ही नहीं रहा. मेरे को मेहंदी, दो दिन में काम में मेहंदी उतर गई. तो आप आज लगा लेते, कांटे मिलता है सांस वाले को खाने. सांस भी नहीं आ रही, नहीं आ रही सांस. कोई नहीं, अरे इस दिए में वो ही नहीं है. हाँ ऐसे नहीं छाट के मिला है नहीं. एक शोरूम की पेड़ियों पर रख गया ऐसे नहीं, और इस पॉइंट पे आई एम लिटरली क्वेश्चनिंग कि ये व्लॉग मुझे डालना भी चाहिए या नहीं. लिटरली कुछ भी नहीं किया है, अभी भी मैं बैठी हूँ इधर जस्ट वेटिंग फॉर फूड. बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और 9 बज गए हैं, बट खाने में अभी भी टाइम है, बस खाने का ही वेट कर रही हूँ. उसके अलावा देयर इज लिटरली नथिंग टू डू, आई एम सो बोर्ड राइट नाउ. आलू की याद आ रही है बहुत ज़्यादा, बट मेरे व्लॉग में सच में कुछ नहीं है स्पेशल, सो आई एम क्वेश्चनिंग इफ आई शुड पोस्ट दिस और नॉट ऑनेस्टली. फाइनली खाना बन गया है और बुलावा आ गया है, सो आई एम गोइंग. फाइनली बहुत भूख लग रही है. और खाना हम लोग एक्चुअली घर पे नहीं खाने वाले, बाहर ही हमारा पेट्रोल पंप है और उसके साथ ही एक ढाबा भी है, और वो ढाबे पे ही आज हम लोग खाना खाने वाले हैं. सो सम टेस्टी नान एंड दाल, लेट्स गो. मम्मी मुझे कपड़े नहीं चेंज करने दे रही,
अरे तो भाई ठंडे इसलिए चेंज करना है। इसके ऊपर ही पहन ले। ऊपर पहनने का नहीं है मेरे पास। बच्चों की चाबी कहाँ है? मैंने नहीं पता। ये लाइट कितनी अच्छी लग रही है। आ जाओ चलो। क्यों? एक ही बात है, इधर से जल्दी पहुंचेंगे। आ जाओ ना प्यार आप। हेलो मम्मी। मार के लगता आएगा तो भर जाएगा। तो भर जाएगा। पापा के साथ आएगा भी लेट ही। तो खा लेगा तो फिर मैं भैया के साथ भी खा लूँगा। ये पनीर की सब्जी डालेंगे। पनीर की इसको मोना को दोनों सबको खाना गिबनान भैया गिबनान गिबनान घी कम लगाओ ना मेरे टे घी कम लगाइयो। ये मेरी अच्छा मम्मी को दे। यो गाइस, सो खाना भी हो गया और वापस आ गई मैं घर पे। और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, तो आई डोंट नो। अब मैं आई जस्ट चेंज एंड देन आई ट्राई टू स्लीप। ऑब्वियसली इतनी जल्दी मुझे नींद आने नहीं वाली है। मैं उठी भी बहुत लेट थी, अभी तो 10 ही बज रहे। आई वोक अप एट 12 आई थिंक, और उसके बाद भी ज्यादा कुछ किया नहीं है। सो बिल्कुल टायर्ड भी नहीं हूँ और अभी भी कुछ करने को नहीं है। सो आई थिंक आई जस्ट एंड अप स्क्रॉलिंग थ्रू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम for the rest of the night until I can finally go to sleep. So I had recorded outro already, but me being so noob, मैंने उसको सेव करते हुए गलती से कुछ और फिल्टर लगा दिया और उस पर पीकॉक्स दिख रहे थे फॉर सम रीजन। सो आई हैव टू डू दिस अगेन। सो हाँ, सो आई वॉज सेइंग आई डोंट नो हाउ दिस व्लॉग इज गोना टर्न आउट, बट आई होप यू गाइज लाइक इट। आई मीन ऑब्वियसली आई रियली होप सो। ऑल्सो कॉमेंट्स में ज़रूर बताना वट यू गाइज थिंक अबाउट दिस। आई नो इट्स नॉट दैट गुड, और ऑल्सो मैंने ज़्यादा बात नहीं किया आई थिंक। आई मीन आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ, एंड आई एम जस्ट नॉट अ ब्लॉगर काइंड ऑफ पर्सन ऑनेस्टली। तब मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी बिकॉज आई लव गेमिंग। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बट आई जस्ट हैड टू ट्राई, सो आई एम ट्राइंग। डू लेट मी नो वट यू गाइज थिंक अबाउट दिस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट। आई एम जस्ट गोना स्लीप नाउ, आई ऑलरेडी फील रियली स्लीपी। सो टेक केयर गाइज, सी यू, बाय बाय।